पंजाब 4000 करोड़ के कर्जे के हेठ है तो साढ़े अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के हैलीकॉप्टर लैके नज़ारे लेंदे दिखाई दे रहे हैं। वह हुण वादियां दे विच हिमाचल दियां वादियां दे विच घूमते दिखाई दिते ते उत्थे दे एमएलए दी किसी पार्टी जां किसी प्रोग्राम दे विच शामिल होण लई गए सी ते वह पंजाब दा हैलीकॉप्टर वरत रहे हैं। सुखपाल खहरा वल्लों उन्हां नूं रिक्वेस्ट की गई है कि पंजाब दे पण जिहड़ा पैसे नूं वह ना बहाउण ते साडे ते तरस करो, साडा पंजाब पहलां ही खोखला हो चुक्या है। की कह रहे ने सुखपाल खहरा, आओ तुहानूं दिखाउंदे। दोस्तों आपां सारे जाणदे हां कि अपना पंजाब जिहड़ा अज लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जई है। 1 लाख करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी दियां गलत नीतियां दे करके अपने उच्च पिछले 2.5 साल चढ़िया। इन्हां हालातों में जे आपां हले भी एहसास नहीं कर रहे कि आपां पैसा किवें बचाउणा ते पंजाब ते कर्जा होर चढ़ेगा। कल आम आदमी पार्टी का एक दौरा सी जम्मू, एक उन्हां दा विधायक को जितया उत्थे उत्थे साडा हैलीकॉप्टर गया। पहलां एक दृश्य देखो हैलीकॉप्टर का। तुसीं देख लिया कि पंजाब का हैलीकॉप्टर अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह इन्हां दा एक पीए जिहड़ा कि उत्थे स्वाति मालेवाल नूं जिहने कुट्टिया सी, जिहड़ा जेल रह के आया मिस्टर वैभव अते होर सवारियां नाल, ऑफकोर्स भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जे सीएम ना जावे तां हैलीकॉप्टर जम्मू किदां जाणा सीगा। अरविंद केजरीवाल ना मुख्यमंत्री ने दिल्ली दे, ना उह पंजाब दे किसी अहुदे दे विराजमान ने। सो पहली गल तां इह आ असूलन अते नैतिक तौर पर दोनों तरह नाल इन्हां दा हैलीकॉप्टर पंजाब दा जम्मू लैके जाना वह गलत है। और मैं जिदा पहला जिक्र किया कि साडी स्टेट बिल्कुल उजड़न के किनारे आ, असी लगभग 40-45 हज़ार करोड़ रुपया साल का ब्याज दे रहे हैं। शुरू च आम आदमी पार्टी ने कहा जी असी MLA दियां मल्टीपल पेनशन कटांगे, पैसे बचावांगे। वो तो बहुत थोड़ा जिहा पैसा सीगा, जिन्ना पैसा पंजाब दे जहाज़ नूं कदी देश दे किसी कोने च कदी किसी कोने च, और साडा हैलीकॉप्टर जिहड़ा वा कल्ला इन्हें ही मेरे हिसाब नाल जिहड़ा पंजाब दियां MLA दी मल्टीपल पेनशन कट्टियां उहदे नालों वध खर्चा तां इहदे ते करता। और इस तों इलावा जिहड़ी पब्लिसिटी हो रही सारे देश में आम आदमी पार्टी वालों हर अखबार में हर एयरपोर्ट से हर गली कूचे च, वो तुसीं अंदाजा ला सकते पंजाब का किन्ना। पर अज जिहड़ा मेरा मकसद ये कहण दा सीगा कि अरविंद केजरीवाल उदां बहुत कहिंदे ने कि असीं नैतिकता दे मुदई हाँ, असीं अंदोलन चों निकली हुई पार्टी हाँ, असीं बिल्कुल बाकी पार्टियां बहुत माड़ियां ने। पर मैं कहना चाहुंदा कि कदी कांग्रेस दे पिछे सरकार रही आ, तुसीं देखिया कि पंजाब दे जहाज़ विच या हैलीकॉप्टर विच कदी कोई श्रीमती सोनिया गांधी या कोई कांग्रेस दा दिल्ली दे जिहड़े आगू सीगे उह आण के पंजाब दा हैलीकॉप्टर यूज करके किसी होर स्टेट विच जा रहे ने। इह सरासर गलत है। कल्ली इह अनैतिकता नहीं कर रहे केजरीवाल साहब, जदों उहनां नूं दिल्लीओं चीफ मिनिस्टर दे अहुदे तों सुप्रीम कोर्ट दी डायरेक्शन ते इस्तीफा देना पिया तां उहनां नूं घर छड्डना पिया दिल्ली दा, जिहड़ा सरकारी रिहायश सी कि बड़ा वड्डा घर बनाया सी, शीश महल उसका नाम सीगा। तो उन्होंने देखा कि मैं कित्थे रहा हूँ, अक्सर उदा तो कहिंदे सी आम आदमी आ जी, आम आदमी तो किसी भी जगह के उत्ते रह सकते सीगे। लेकिन फिर इन्होंने राज्यसभा का एक MP आ आम आदमी पार्टी का पंजाब तो मिस्टर अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी वाला, उन्होंने कहा तू अपना घर खाली कर, असी तेरे वड्डे घर में कोई 1.5-2 एकड़ का घर है दिल्ली जिहड़ा MPs नूं मिलता है, उन्हां दा अधिकार सीगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने उहदे ते भी कब्जा किया वा। सिमिलरली मनीष सिसोदिया ने जिहड़े उन्होंने को होर मैंबर राज्यसभा ने शायद हरियाणा तो ने, उन्होंने घर के उत्ते मनीष सिसोदिया जी का कब्जा हो गया। लै भी ये कितों की बदलाव की राजनीति है, मैं समझाओ जरा, ये कितों की नैतिकता है, कितों की मोरैलिटी है, ये कितने मगरलिया पार्टियां नालों की अंतर पा के, बल्कि मैं तो कहना कि उन्होंने नालों भी ज़्यादा तुसीं निमाण वाल राजनीति नूं लैके जा रहे। इत्थे बस नहीं, अज पंजाब दा किसान ते जिमीदार ते खेत मजदूर हताश आ, लेबर हताश आ, आड़ती हताश ने, शैलर वाले हताश ने, क्योंकि पंजाब विच अज 14वें दिन भी जिहड़ी झोने की खरीद बिल्कुल नहीं हो रही, मंडियां दे विच जाम लगे हुए ने। कल किसान यूनियन ने सारे ने रेल रोको ते सड़क रोको प्रोग्राम दिता, लेकिन सरकार टस तो मस नहीं हुई। मान भगवंत सिंह जी चंडीगढ़ बैठ के DC अफसरां नूं सद के बस खरीद के प्रबंध सारे मुकम्मल हो गए, चंडीगढ़ों कई जांदे AC कमरियां चों बैठे, लेकिन मंडियां दे विच जिहड़ा वो तंकां लगियां पईआं ने, माल जमा होया होया, स्टोरेज का कोई प्रबंध नहीं गा। और इहदे नाल नाल DAP की बहुत वड्डी शॉर्टेज चल रही है, जिहड़ी कणक की बिजाई आनी आ, जिहड़ी साडी DAP खाद है वह नहीं मिल रही।
पर साडे आम आदमी पार्टी दे आगुआं नूं और बदलाव पार्टी नूं जम्मू जाना बेहतर है। जे जाना भी सी तो जम्मू तो रोज फ्लाइट जांदी दिल्ली तो, जी चंडीगढ़ तो भी ऑर्डनरी फ्लाइट जांदियां ने, ट्रेनां जांदियां ने बहुत सारियां, तुसीं दिल्लियों जहाज या अपना ट्रेन फड़ के जम्मू जा सकते सी। लेकिन यह जिहड़ा कल साडा हैलीकॉप्टर वरत्या गया वा, यह चलो जिहड़ा पैसे का घाटा पंजाब नूं तां ही है, लेकिन तुहाडी तुहाडा दिवालियापन, तुहाडी बैंकरप्सी जिहड़ी है मैंटल तौर ते, तुसीं हुण मगलियां पार्टियां दे रिकॉर्ड तोड़न ते आए हो, तुसी सारा अंदोलन वगैरह भुल गए, तुसी सारी सादगी भुल गए, तुसी सारा VIP कल्चर भुल गए कि असी छड्डना सीगा, जिहड़े कहिंदे सी असी तां साधारण जे आम जे आदमी, आम आदमी सरकारी हैलीकॉप्टरां विच किसी होर स्टेट दे चीफ मिनिस्टर दे नाल उह की कहिंदे आ पिगी राइड करके कनेडी चढ़ के अपना पैसा बचा के शानो शौकत दिखाउण वास्ते, इह कोई आम आदमी पार्टी दी ने। हुण मैं मेरी बेनती है कि जे तुहाडे च थोड़ी रत्ता भर भी कोई नैतिकता बची हुई आम आदमी पार्टी दे लीडरां ते, केजरीवाल साहब, सिसोडिया जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਸ਼ੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਲੈ ਜਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਲੈ ਜਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਲੈ ਜਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਖੂਨ ਚੂਸੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।